Hi everyone, this is Mayank Kothari, and in this lecture we are going to discuss about the levered and unlevered beta, or you can say it as a geared or ungeared beta. Let's have a look. So what does a levered beta or unlevered beta means? Pehle wo discuss kar lete hain. Simple si cheez hai, maan lo ye ek firm hai aapki, theek hai, company hai, okay. Now इस कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, मतलब हर कंपनी को बिजनेस रन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ओके. उसके बाद में ये पैसा कहाँ से आता है, वो इक्विटी से आ सकता है, डेट से आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर से आ सकता है, और भी बहुत सारे लोन्स के सोर्सेस है आपके पास में, बहुत सारे सोर्सेस है. उसमें से दो सोर्सेस होते हैं, इक्विटी और डेट, ठीक है. तो मान लो किसी फर्म को डेट की सॉरी इक्विटी की सॉरी 200 करोड़ रुपए की ज़रूरत है फंड्स रेज करना है, 200 करोड़ रुपए. अब 200 करोड़ रुपए फंड्स रेज करना है, तो मान लो उस कंपनी ने क्या किया है, उस कंपनी ने अपनी ये जो बैलेंस शीट दिखती है उसमें इक्विटी पूरा का पूरा 200 करोड़ रुपए रेज कर लिया, इक्विटी ही रेज किया, सिर्फ इक्विटी रेज किया 200 करोड़ रुपए का, ठीक है. सो दिस इज़ लेट्स से एबीसी कंपनी, ठीक है. अभी मान लो उसके पास में दूसरा ऑप्शन क्या था कि वो ऐसे भी पैसा रेज कर सकती थी. एबीसी मान लो ऐसा पैसा रेज कर रही है, इक्विटी उसने 100 करोड़ रुपए लाया, डेट उसने 100 करोड़ रुपए लाया, तो भी 200 करोड़ रुपए हो जाते थे. सो दोनों सोर्सेस अवेलेबल थे. पहले वाले सोर्स में कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी है, दूसरे वाले सोर्स में कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ सॉरी इक्विटी और डेट दोनों है. सो इस कंपनी को, मतलब अगर इस तरह से एबीसी ने अगर फाइनेंसिंग कराई है, तो उसको हम बोलेंगे अनलिवर्ड फर्म या अनगेयर्ड फर्म. और अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्लूड होता है, कितना भी हो, 100-100 ज़रूरी नहीं, आप 150 का रहो या आप 190-10 भी रहो, अगर थोड़ा भी डेट आया कंपनी में, तो वो बन जाएगी लीवर्ड फर्म, या आप दूसरा नाम उसको दे सकते हो गेयर्ड फर्म. सो लिवर्ड का मतलब लिवरेज, लिवरेज का मतलब ही हो गया कि आपने डेट लेके आए, लिवरेज, ओके. सो बेसिकली आपको मीनिंग समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी को, सी कंपनी दोनों केस में सेम है, उसको वो सेम कंपनी को अनलिवर्ड कहना या सेम कंपनी को लिवर्ड कहना डिपेंड करता है कि उसने किस तरह से फाइनेंसिंग कराई है. अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में बैलेंस शीट में डेट इंक्लूडेड है, दैट कंपनी इज लिवर्ड और गेयर्ड, अदरवाइज इट विल बी अनलिवर्ड और अनगेयर्ड, ओके. सो इन दोनों, सो अगर मैं इस तरह की कंपनी का बीटा निकालूं, तो मैं उसको बोलूँगा अनगेयर्ड बीटा या अनलिवर्ड बीटा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा यू से, बीटा यू यानी बीटा अनलिवर्ड या अनगेयर्ड, ठीक है. और इस कंपनी के बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं या तो बीटा जी से, या तो आप और बीटा एल से, कैसे भी ले लो, वो आपकी मर्जी, ठीक है दोनों कंपनी का ही बीटा, इट डिपेंड्स. अगर आपने ये निकाला है तो अनलिवर्ड बन जाएगी, अनलिवर्ड बीटा होगा, और ये निकाला है तो वो लिवर्ड बीटा होगा. नाउ कम्स द ये रिलेशनशिप बिटवीन गेयर्ड एंड अनगेयर्ड बीटा, हैव अ लुक. अच्छा, बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब होता है रिस्क. बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है. ज़्यादा बीटा होना बुरी बात होती है, क्योंकि बुरी बात नहीं, मतलब इन द सेंस आप बोल सकते हो कि ज़्यादा बीटा है तो रिस्क ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ऑन द अदर साइड रिटर्न का पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है, लॉस का पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है. अगर बीटा कम है तो रिस्क कम है, तो रिटर्न का पोटेंशियल कम, लॉस का पोटेंशियल भी कम. जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में अगर इन्वेस्टमेंट कराते हो, कमर्शियल बैंक के, ICICI बैंक के फिक्स डिपॉजिट में, तो वो सेफ है, दैट सेफ सिक्योरिटी, नो रिस्क. अगर उसमें कोई रिस्क नहीं है, इसका मतलब उसका बीटा कितना, जीरो, क्योंकि बीटा रिप्रेजेंट्स रिस्क. वहीं आप TCS के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यू विल हैव सम बीटा, क्योंकि वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है. इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना इज रिस्की, तो उनका बीटा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट का बीटा, ठीक है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे लेता हूँ. मान लो ये फर्म है आपकी, ओके. कंपनी में इक्विटी डेट है और इक्विटी है, ठीक है.
सो फिलहाल मान लो कंपनी में डेट की अमाउंट 0 और इक्विटी है 2 रुपए, 2 रुपए 2 करोड़ कुछ भी आप बोलो, ठीक है। अब दिस इज सोर्स, दिस इज कैपिटल, लेट्स से फंड्स अवेलेबल, बैंकरप्ट हो रही है मान लो, बैंकरप्सी के टाइम पे वो कितने लेते हैं हम, 1 करोड़ लेके चलो, ठीक है। तो रिकवरी का परसेंटेज यहाँ ले लेंगे, नाउ लेट्स हैव अ लुक। कंपनी में सिर्फ इक्विटी था, कोई डेट नहीं था। कंपनी आगे जाके बंद पड़ रही है, रिस्क की बात कर रहे हैं हम, तो मैं सीधा बंद पड़ने पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उससे रिस्क आपको पता चलेगा। अगर कंपनी कल जाके बंद होती है और कंपनी के पास में सिर्फ 1 करोड़ रुपए बांटने के लिए, सब लाइबिलिटीज़ ख़त्म होने के बाद, करंट लाइबिलिटीज एंड ऑल, अपने लेंडर्स को या आप बोलो इक्विटी ओनर्स को बांटने के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए बचा हुआ, तो 1 करोड़ रुपए पूरा का पूरा इधर जाएगा इक्विटी वालों को, क्योंकि डेट तो है नहीं। तो बोलो इक्विटी वालों की कितनी रिकवरी हुई है, 2 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ की रिकवरी हुई है, यानी कि 50% की रिकवरी हुई है, ठीक है। ये आपको मैंने एक सिचुएशन दे दी। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, मान लो कंपनी में, कंपनी इस तरह की है, उसमें डेट और इक्विटी है, ठीक है। अब कंपनी में डेट 1 करोड़ का है, इक्विटी 1 करोड़ का है, हम कंपैरिजन करने के लिए बेसिस सेम रखेंगे, हर जगह 2-2 करोड़ ही टोटल होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर बैंकरप्ट होगी फर्म, ठीक है, या फिर फर्म बंद होनी है आपकी, या कंपनी बंद होनी है, तो 1 करोड़ रुपए पूरा का पूरा पहले किसको जाएगा, 1 करोड़ में से जो जो भी पैसा आपका अवेलेबल है वो पहले किसको सेटिस्फाई करेंगे हम, डेट वालों को, और बचा तो इक्विटी वालों को। हमने डेट वालों को सेटिस्फाई किया 1 करोड़ से, और इक्विटी वालों के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो रिकवरी कुछ हुई क्या, 1 करोड़ के में से कुछ भी रिकवर हुआ, कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। 0%। फिर से सिचुएशन बदलता हूँ मैं, मान लो डेट और इक्विटी है कंपनी में, ठीक है, और कुछ इस तरह से है, 0.5 डेट है और 1.5 इक्विटी है, तो टोटल हो गया 2 करोड़। अब ये जो 1 करोड़ का फंड्स अवेलेबल है, उसमें से पहले हम डेट को सेटिस्फाई करेंगे, और उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी वालों को जाएगा, समझ में आ रहा है। इक्विटी वालों के हिस्से में कितना आया, 0.50। अब लॉजिकली देखो तो इक्विटी वालों की रिकवरी कितनी हुई, सिर्फ 0.50, 1.50 में, यानी कि अगर आप 0.50 बाय 1.50 करोगे तो आपको पता चलेगा 33% रिकवरी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो, और एक या दो प्रॉब्लम और लेते हैं, या एग्जांपल और लेते हैं, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। मान लो डेट और इक्विटी अगर कंपनी में इस तरह से नहीं, लेकिन इस तरह से फंडिंग की हुई है, 40 लाख रुपए डेट से लाया हुआ है और 1,60 लाया हुआ है आपका इक्विटी से, ठीक है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट, ये सबसे पहले किसको सेटिस्फाई करेंगे हम, डेट वालों को, तो 0.40 उधर चला जाएगा, बचेगा कितना, 0.60 1 करोड़ में से। सो 0.60 और 1.60 का अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो रिकवरी कितनी हो रही है इक्विटी वालों की, ये आपको निकालना है। वो आता है 37.5%। चलो लास्ट एक और ले लेते हैं, डेट और इक्विटी। मान लो डेट है 0.80 और इक्विटी है 1.20, ठीक है। सबसे पहले डेट के साथ डेट को सेटिस्फाई करेंगे, बचा कुछ इक्विटी के लिए 0.20। तो अब रिकवरी देखो कितनी हो रही है, 0.20 डिवाइड बाय 1.20, यानी सिर्फ 16.67% रिकवरी हो पा रही है, ठीक है। ये 33.33% था आई थिंक, ठीक है, 33% ले लो उसका, चलेगा। नाउ प्लीज पे अटेंशन, अब आएगा मज़ा। हमने क्या किया, हमने अलग अलग तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर लेके देखा, और देखा कि हर सिचुएशन में
हमने सेम रखा, 2 करोड़ का टोटल कैपिटल, 1 करोड़ ही हमारे पास में फंड्स अवेलेबल है कंपनी बंद होने के टाइम पे। तो सबसे पहले हम डेट को सेटिस्फाई करते हैं, बिकॉज रूल्स ये बोलते हैं कि भैया आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पहले, ओनर्स को बाद में, बचा तो। तो सबसे पहले हमने डेट को सेटिस्फाई किया, उसके बाद में ओनर को बचा तो पैसा आया, और उसके बाद में हमने निकाला कि भाई रिकवरी का परसेंटेज कितना। पहले केस में एक दो में से एक मिला 50%, दूसरे केस में से एक में से कुछ भी नहीं मिला 0%, 1.50 में 50 मिला 33%, 1.60 में 60 मिला 37.5%, और 1.20 में 20 मिला 16.67%। ये रिकवरी का परसेंटेज है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिस्क। कि इंक्रीज इन रिस्क टू इक्विटी, इक्विटी वालों के लिए रिस्क कितना बड़ा है, ठीक है। हम बेसिस मान के चलते हैं कि ये पहला वाला जो हमने एग्जांपल लिया था उसको बेसिस मान के चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले 50% रिकवरी हो रही थी, अब कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा। मतलब 50% से 0% में चेंज कितना है, चेंज कितना है 100% का। मतलब 50 माइनस 0 50, डिवाइड बाय बेस वैल्यू 50, 50 बाय 50 इज 100%। तो आपका इंक्रीज कितना हुआ, 100% से रिस्क इंक्रीज हो गया। दिख रहा है आपको, 50 से 0 में 100% का रिस्क इंक्रीज हो गया। कैसे निकाला मैंने ये कैलकुलेशन, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 50 माइनस 0 बाय 50। अच्छा दूसरा वाला बेस ले लो, पहला दूसरा वाला छोड़ दो, ये तीसरा वाला लो। पहले मेरा 50% रिकवर हो रहा था, अब सिर्फ 33% रिकवर हो रहा है। तो इक्विटी वालों के लिए रिस्क और बढ़ गया, क्योंकि रिकवरी कम हो रही है। जैसे जैसे आपकी रिकवरी कम होती जाएगी, वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाएगा। 50 से 0 हुआ तो पूरा रिस्क बढ़ा 100% से, लेकिन पहले 50% रिकवरी हो रही थी, अब हो रही है रिकवरी लेकिन सिर्फ 33%। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंट रिस्क इंक्रीज हुआ, पहले 50 हो रहा था अब 33 हो रहा है, तो 17% से मेरा रिकव 17% से मेरी रिकवरी कम हो रही है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 17 बाय 50, तो वो भी आती है 34%। मैं वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रही है, मैं एग्जैक्टली लिखता हूँ 33% यहाँ पे, आगे हेल्प होगा। 33 34, आप राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस बस पकड़ के चलो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अब चौथे वाले पे आते हैं, 50 से 37.5। पहले 50% रिकवरी होती थी, अब सिर्फ 37.5% रिकवरी हो रही है। तो मेरा रिस्क बड़ा होगा कितने से, 50 less 37.5 डिवाइडेड बाय 50, यू कैन से 25%। नेक्स्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, 50 less 16.67 डिवाइड बाय 50, तो ये हो गया आपका 66.67%, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, ये चीज़ ध्यान में रखो, ये जो कैलकुलेशन किया ये क्या हुआ है, आपकी रिकवरी अगर पहले इतनी होती थी और अब कुछ भी नहीं हो रही, तो रिस्क कितने से बढ़ा, 100% से, कि भाई पहले कुछ तो मिलता था अब कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी पूरा वाइप आउट हो गया। 50 से 0 इज 100% का रिस्क बढ़ना। 50% रिकवरी हो रही थी, 33% हो रही है, तो रिस्क बढ़ेगा कितना, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 50 एंड 33, ये रहा। तो 33% से रिस्क बढ़ा, इस केस में 25% से रिस्क बढ़ा, इस केस में 66.67% से रिस्क बढ़ेगा। और जीरो वाले केस में देखो, सबसे सब धीरे धीरे नीचे चलते, 50 से 33 सॉरी 37%, तो 25% रिस्क बढ़ा। 37 से रिकवरी और 33 पे आई तो रिस्क बढ़ा 25 से 33 पे। अच्छा 33 से और अगर मैं जाऊँ तो नीचे 16.67, रिकवरी कम हुई 33 से 16.67 पे, तो रिस्क 33 से 66.67 हो गया। अच्छा 16.67 से 0 पे आओ, तो रिस्क भी 66 से 100% पे हो गया। जैसे जैसे रिकवरी कम होती जा रही है, वैसे वैसे रिस्क आपका बढ़ता जा रहा है। रिस्क यानी क्या, बीटा। लेट्स से बीटा, अब
अब यह है असली बीटा जो हम निकालने वाले हैं, ठीक है। मान लो कि ये जो बीटा है वो बीटा है वन, बेस इसको पकड़ के चला तो बीटा एक मानो, रिस्क एक है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ये आपको एक चीज़ समझ में आ रही, क्योंकि इसमें डेट नहीं है पहले वाले इसमें, बाकी हर जगह डेट है, इसमें डेट नहीं है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ अनलिवर्ड बीटा, लेकिन बाकी हर जगह जो मैं बीटा निकालने वाला हूँ वो मेरा लिवर्ड बीटा होगा। सो यहाँ पे निकालो लिवर्ड बीटा, ठीक है। अब यहाँ जो आप लिवर्ड बीटा निकालने वाले हो वो 100% से इंक्रीज हो रहा है रिस्क। पहले रिस्क कितना था? वन, अभी 100% से इंक्रीज हो रहा है, वन में और 100% ऐड करके देखो वो हो जाएगा टू, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट वाले में मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ लिवर्ड बीटा हमको निकालना है, पहले था वन प्लस वन का 33% इंक्रीज करना है हमको, तो कितना आ जाएगा 1.33। ओके नाउ इसमें देखो, वन प्लस पुराना बीटा कितना से इंक्रीज होगा? 25% से रिस्क इंक्रीज हो रहा है, तो रिस्क ये हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं, दिस इज इंक्रीज इन रिस्क, और वन भी रिस्क है, तो वन में 100% ऐड करो, वन में 33% ऐड करो, वन में 25% ऐड करो, तो लिवर्ड बीटा आएगा आपका 1.25, ठीक है। और ये लास्ट वाला ले लो, वन प्लस वन इंटू 66.67%, तो ये आएगा लिवर्ड बीटा आपका 1.67 या 1.66.67 जो भी ले लो आप, ठीक है। यानी अब क्या हो गया पता है आपको, क्योंकि हर जगह डेट इंक्लूडेड था तो मैंने चारों में नीचे में लिवर्ड बीटा लिया, उसको कहा पहले वाले में डेट नहीं था तो अनलिवर्ड हुआ। सो आई कैन फॉर्म रिलेशनशिप, अनलिवर्ड बीटा से लिवर्ड बीटा में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला निकल सकता है, वो क्या है अब देखो। जो मेन पर्पज़ है इस पूरे पूरे लेक्चर का वो है ये, लिवर्ड बीटा इज इक्वल टू अनलिवर्ड बीटा इन ब्रैकेट वन प्लस डेट इक्विटी रेशियो। देखो फॉर्मूला लगा के देखते हैं, अनलिवर्ड बीटा कितना था? वन इन ब्रैकेट वन प्लस डेट इक्विटी रेशियो, देखो डेट वन इक्विटी वन, डेट वन इक्विटी वन, तो 1/1 इज द डेट इक्विटी रेशियो, वन इंटू दिस करोगे तो आंसर आएगा टू। इस केस में देखो अनलिवर्ड बीटा कितना, ये मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिवर्ड इज इक्वल टू अनलिवर्ड इन ब्रैकेट वन प्लस डेट बाई इक्विटी वन, दिस इज़ वन प्लस डेट इक्विटी रेशियो, देखो क्या है 0.50/1.50, यानी 1/3 का रेशियो है आपका, दिस इज़ 1.33। यहाँ आ जाओ, वन क्या है रेशियो 0.40/1.60 करके देखो, वन प्लस 1/4 दैट्स 1.25, और अगर यहाँ देखोगे तो वन प्लस 2/3 आएगा आपका, सो दैट्स 1.67। सेम आंसर जो यहाँ से निकले हैं आपके, वही आंसर यहाँ से निकले हैं आपके, मतलब ये जो मैंने पूरी प्रोसीजर बताई ये कंसेप्चुअली गया मैं, अगर एक ही फार्मूले से सब कुछ निकालना है आपको तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला, बस एक चेंज है उसमें, और आपको ये फार्मूला तो बेसिकली समझ में आ गया कि क्या है और कैसे निकला, बस एक चेंज है उसमें, क्योंकि डेट इंक्लूड करते हो आप तो आपको उसमें टैक्स सेविंग होती है, जब आप डेट इंक्लूड करते हो तो आपको उस पर टैक्स सेविंग होती है, टैक्स के अमाउंट, सो लेट्स से टैक्स रेट इज़ 30%, तो अगर हम टैक्स रेट अगर 30% पकड़ें, दिस इज विदाउट टैक्स एंड दिस इज विथ टैक्स, सो अगर हम टैक्स रेट 30% पकड़े तो लिवर्ड बीटा का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट इज़ वन प्लस डेट इक्विटी रेशियो इन ब्रैकेट वन माइनस टैक्स,
क्योंकि डेट वाले पोर्शन पे होती है ना, तो डेट वाला पोर्शन कितना है? 33%, 33% डेट वाला पोर्शन है ना, तो 33% पे ही टैक्स लगाएंगे, टैक्स सेविंग होगी, तो 30% उसमें से हटा दो। लाइक जैसे आपका यहाँ पे कितना आया था? 33 आया था, ये 33 जितना तो आपने रिस्क इंक्लूड कर लिया, ये लो 1/3 कितना आया था? 33 आया था। आपने विदाउट टैक्स में क्या किया? पूरा इंक्लूड कर लिया, लेकिन ये 33% जो आया एक्स्ट्रा, उस पर टैक्स सेविंग होगी आपको, क्योंकि डेट इंक्लूड करने से आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट आती है, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स रखते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसकी वजह से, इंटरेस्ट के आने की वजह से आपका टैक्स जो होता है वो कम हो जाता है। सो देर इज़ अ टैक्स सेविंग इन केस ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ ऑन डेट। तो डेट वाली अमाउंट पे टैक्स सेविंग होगी, टैक्स सेविंग के लिए हम 1 माइनस टैक्स लेते हैं, तो पूरा मत कंसिडर करो, सिर्फ 70% कंसिडर करो, यानी जो भी टैक्स रेट होगा वो माइनस करके। इक्विटी ये है 1, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये पोर्शन जो है ये इक्विटी वाला पोर्शन है, और ये पोर्शन जो है ये है डेट वाला पोर्शन, बट आफ्टर टैक्स, क्योंकि इक्विटी ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होता है, तो डेट को भी आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करके फिर टोटल कर सकते हो आप दोनों को, सो इसलिए 1 माइनस टैक्स कर दिया हमने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीवर्ड बीटा एंड अनलीवर्ड बीटा। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट कि ये फार्मूला जो है इसका मतलब क्या रहा, ये फार्मूले का मतलब, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया, सेम आंसर आ रहे हैं जो आपके यहाँ पे आ रहे थे। आप इतनी चीज़ें नोट डाउन कर लो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, सॉरी इन दिस लेक्चर ऑफ लिवर्ड एंड अनलिवर्ड बीटा, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी एंड ऑब्वियसली गो थ्रू इट वंस अगेन एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स। बाय बाय।